बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और फिल्म मेकर करण जौहर का 36 का आंकड़ा है ये तो आप बेहतर जानते हैं। साल 2016 में इन दोनों ही महारथियों की फिल्म एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की शिवाय और करण जौहर की ए दिल है मुश्किल की। 28 अक्टूबर के दिन दोनों फिल्में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का बंटवारा किया। चूंकि दोनों ही बड़े बजट की फिल्म थी इसलिए सिंघम और करण कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आलम ये हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इस झगड़े को 2 साल होने आए हैं पर करण जौहर के लिए अजय देवगन का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। जबकि करण ने कई बार काजोल से बात की है अजय से सुलह कराने की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन पुरानी बातें भुलाकर करण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये जादू किया है अजय के बेस्ट फ्रेंड रोहित शेट्टी ने। जी हाँ, रोहित शेट्टी ने अजय देवगन को मना लिया है कि वे उनकी आगामी फिल्म सिम्बा में एक स्पेशल कैमियो दें। रोहित और सिंघम ने एक साथ कई फिल्मों के लिए काम किया है इसलिए सिंघम ने रोहित का मान रखा है। गौरतलब है कि सिम्बा फिल्म को करण जौहर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी रोहित ने एक तीर से दो निशाना चलाया है। एक तरफ करण और अजय की दोस्ती कराने की कोशिश की है तो दूसरी तरफ सिम्बा फिल्म में दर्शकों के लिए डबल डोज का इंतजाम भी किया है। यकीन मानिए खूब मजा आएगा जब हम बड़े पर्दे पर उग्र खिलजी रणवीर सिंह और अजय देवगन को डायलॉग डिलीवरी करते हुए देखेंगे। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन और फिल्म मेकर करण जौहर का 36 का आंकड़ा है ये तो आप बेहतर जानते हैं। साल 2016 में इन दोनों ही महारथियों की फिल्म एक साथ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। हम बात कर रहे हैं अजय देवगन की शिवाय और करण जौहर की ए दिल है मुश्किल की। 28 अक्टूबर के दिन दोनों फिल्में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का बंटवारा किया। चूंकि दोनों ही बड़े बजट की फिल्म थी इसलिए सिंघम और करण कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आलम ये हुआ कि दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इस झगड़े को 2 साल होने आए हैं पर करण जौहर के लिए अजय देवगन का गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ। जबकि करण ने कई बार काजोल से बात की है अजय से सुलह कराने की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अजय देवगन पुरानी बातें भुलाकर करण की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये जादू किया है अजय के बेस्ट फ्रेंड रोहित शेट्टी ने। जी हाँ, रोहित शेट्टी ने अजय देवगन को मना लिया है कि वे उनकी आगामी फिल्म सिम्बा में एक स्पेशल कैमियो दें। रोहित और सिंघम ने एक साथ कई फिल्मों के लिए काम किया है इसलिए सिंघम ने रोहित का मान रखा है। गौरतलब है कि सिम्बा फिल्म को करण जौहर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी रोहित ने एक तीर से दो निशाना चलाया है। एक तरफ करण और अजय की दोस्ती कराने की कोशिश की है तो दूसरी तरफ सिम्बा फिल्म में दर्शकों के लिए डबल डोज का इंतजाम भी किया है। यकीन मानिए खूब मजा आएगा जब हम बड़े पर्दे पर उग्र खिलजी रणवीर सिंह और अजय देवगन को डायलॉग डिलीवरी करते हुए देखेंगे। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ।